ड्रामा, कॉन्ट्रोवर्सीज और खूब सारा हंगामा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस की। बिग बॉस के घर में आए दिन हमें लड़ाई झगड़ा तो देखने को मिलता ही है, साथ में प्यार मोहब्बत भी देखने को मिलती है। ये तो हर कोई जानता है कि अरहान खान घर से बेघर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद रश्मि देसाई थोड़ी बहुत हमें रोती हुई नजर आई, लेकिन रश्मि देसाई और जब अरहान खान को एक क्वालिटी टाइम बिग बॉस ने दिया कि आप आराम से बैठिए और आप दोनों बात कर सकते हैं, तो वो दोनों सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की ही बातें करते नजर आए। जी हाँ, वही रश्मि देसाई जो कहती हैं कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला से कोई लेना देना नहीं है, वही रश्मि देसाई जो कहती हैं कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कोई बात नहीं करती, वो अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ कन्फेशन रूम में सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की ही बातें करती नजर आई। देखा जाए तो बिग बॉस ने उन्हें एक मौका दिया था कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अरहान के साथ, क्योंकि अरहान खान घर से बेघर होने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रश्मि देसाई ने अरहान खान से कोई अपने दिल की बात नहीं की या कुछ दोनों ने अपनी बातें नहीं की, बल्कि यहाँ पे भी सिद्धार्थ शुक्ला कूद पड़े। वैसे दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके अब्बू मलिक ने रश्मि देसाई की बेइज्जती कर दी है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, बिग बॉस ने 5 मिनट दिए रश्मि और टाइगर अरहान को साथ में बैठने को, उसमें भी इन दोनों का शुक्ला पुराण चालू था। तो अबू मलिक ने जो ट्वीट किया है वो ये बोला है कि रश्मि देसाई को 5 मिनट मिले थे अरहान खान के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन स्टिल वो उसमें भी सिद्धार्थ शुक्ला ही कर रही थी। वैसे देखा जाए तो ये बात सिर्फ अबू मलिक नहीं कह रहे हैं, बल्कि फैंस भी ऐसा बोल रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अबू मलिक की बात पर सहमति भी जता रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जब रश्मि देसाई और अरहान खान को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, तो उन्होंने उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से यूज ना करते हुए सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही टॉपिक उठाया। वैसे गाइस, देखा जाए जब अरहान खान से बेघर हो गए थे, उसके बाद रश्मि देसाई रोती हुई बाहर आई थी, तब भी वो थोड़ी देर रोती हुई नजर आई, उसके बाद वो आसिम के साथ प्लानिंग करती नजर आती कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला से रिवेंज लेना है, और सारी मतलब हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला टॉपिक आ ही जाता है। वहीं इस बार भी ऐसा ही हुआ, लोगों को लगा था कि वो अरहान खान के साथ बातें करेंगी, अपने दिल की बात करेंगी, लेकिन इसके ऑपोजिट ही हुआ, जिसके बारे में रश्मि देसाई बोलती हैं कि मैं उन्हें टारगेट नहीं करती, मैं सिद्धार्थ शुक्ला से कोई बात नहीं करती, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो अरहान खान के साथ कन्फेशन रूम में यही बातें करती नजर आई थी। वैसे आपको क्या लगता है, अबू मलिक ने जो रश्मि देसाई को लेकर कहा वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।